भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर व प्रसा अनुसंधान संस्था के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक 12 व ब्लॉक 18 के सभी सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों ने ग्राम पंचायत संवेदीकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत समिति मुख्यालय 12 में भाग लिया। संस्था सचिव सविता गुप्ता तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला कुशाल मीणा सहायक अभियंता पंचायत समिति 12 के मुख्य सानिध्य में हुई। ग्राम पंचायत संवेदीकरण कार्यशाला में सत्यपाल सिंह रिसोर्स पर्सन भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर ने BIS के द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी दी। साथ ही सिविल कार्यों से संबंधित उत्पादों के मानक, कृषि और संबंध क्षेत्रों से संबंधित उत्पादों के मानक, सिंचाई जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित उत्पादों के मानक, स्टेशनरी और फर्नीचर से जुड़े हुए उत्पादों के मानक, ऊर्जा और संरक्षण से जुड़े हुए मानकों के बारे में संक्षिप्त रूप से अवगत कराया। साथ ही बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा विभिन्न उत्पादों हेतु अनुमानित 23,000 से भी ज़्यादा मानक तय किए गए हैं। इसके साथ ही मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन, प्रयोगशाला, ज्वेलरी, हॉलमेकिंग, मानकों के प्रकार, ग्राम पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण मानकों के बारे में विस्तार से भी बताया गया। सविता तिवारी ने उपस्थित सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को बताया कि ग्राम पंचायतों से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्यों में सर्टिफाइड उच्च गुणवत्ता संबंधित उत्पादों को प्राथमिकता देकर के अपनी पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। वहीं सिरोही से आए ब्रजमोहन शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र में आम उपभोक्ता मानकों और लाइसेंसों के बारे में जानकारी प्राप्त हेतु विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BIS वेबसाइट, BIS केयर ऐप, अपने मानकों को जाने, BIS वार्ता आदि प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। साथ ही खरीदारी के दौरान उपभोक्ता सोने के गहनों पर हॉलमार्क व विभिन्न प्रोडक्ट पर भारतीय मानक ब्यूरो के ISI मार्क को भी देख करके ही खरीदारी करते हैं। जगदीश प्रसाद पवार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों को BIS केयर ऐप मोबाइल में डाउनलोड करवाया। साथ ही ऐप के माध्यम से मिलने वाली ISI मार्क व होल मार्किंग के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। अंत में संस्था प्रभारी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं ग्राम विकास के पद पर ग्राम पंचायत पूसरा में कार्यरत हूँ, पंचायत समिति 12 जिला 12। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत मानक ब्यूरो को, जिन्होंने हमें ISI मानकों के बारे में बताया और इन मानकों के बाद हमें पता चला कि किस तरह के मानक होते हैं, जैसे कि ISI मार्क में हमें हॉल मार्क का पता चला और भी कुछ नए मार्क्स जिनके बारे में पहले नॉलेज नहीं थी उनके बारे में भी पता चला। और इसके पश्चात जिन मार्कों के बारे में बताया गया उससे हमें ये ज्ञात हुआ है कि हमें जब ग्राम पंचायत स्तर पर ये आवश्यक सामग्री खरीदनी है तो हमें किन मापदंडों का ध्यान रखना जरूरी है और इन मापदंडों के आधार पर ही अब हम ग्राम पंचायत स्तर पे सामग्री खरीदेंगे, जिससे कि हमें उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो पाएगी और उसकी बेहतर समय अवधि का पता चल पाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं था पहले कि मापदंडों के आधार पर कौन सा प्रोडक्ट कितने समय के लिए रिलायबल है। और हम हो सकता था कि कुछ लोकल चीज़ें खरीदे थे जिससे कि गुणवत्ता में कमी आ रही थी, बट इसके बाद हमें लगता है कि हम अच्छा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे ग्राम पंचायत के लिए और जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी वर्क होंगे वो बहुत ही बेहतर रहेंगे।